नमस्ते दोस्तों, हमारे सामने इसी साल नंबर सिस्टम का है ये क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 12 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ 335608 एंड 853 इज डिवाइडेड बाई 13। तो यहाँ पर क्या है कि हम इनका प्रोडक्ट नहीं करेंगे। प्रोडक्ट करेंगे तो इतना टाइम कहाँ होगा हमारे पास। हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इनको 13 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा फिर उसको 13, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर 13 से डिवाइड करेंगे। तो आइए करते हैं। जैसे क्या है, पहला है 335, ठीक है। 335 को आप क्या कीजिए, 13 से डिवाइड कीजिए। तो जब आप 13 से डिवाइड करेंगे 335 को, तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो 13 दूनी 26 हुआ ये, यानी ये क्या हो गया, 13 में से 6 गया 7, ठीक है, और ये 5, 13 पचे 65, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये रिमाइंडर हमारा आया, रिमाइंडर हमारा यहाँ आ गया 10। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 608 को 13 से डिवाइड करेंगे। तो 608 को हम 13 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो 13 चौके 52, ठीक है, 52, यानी ये आया 8 और 8, 13 छक 78। यहाँ भी 10 आया रिमाइंडर, ठीक है। ये सब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी रिमाइंडर 10 आया। शेषफल क्या आया, इसका भी शेषफल आया 10, ठीक है। अब फिर तीसरा कौन सा बचा, 853, 853, इसको हम 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 से डिवाइड कीजिए 853 को, तो ये क्या हो जाएगा, 13 छक 78, 78, यानी ये क्या आया, 10, नहीं सॉरी, ये क्या आ जाएगा हमारा, 7, ठीक है, 7 आया, और ये 13 चौके 52, 13 पचे 65, ये क्या होगा, 5, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना आया, तो 5 और 3 8, ठीक है। अब ये जो तीनों रिमाइंडर हमारे आए, ये रिमाइंडर आ गया हमारा 8। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ही तो कह रहा है, हम आगे इंडिविजुअली 13 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएंगे उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × 10 × 10 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 800। अब ये 800 को 13 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो आप जब 13 से 800 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 13 पचे 65, 13 छक 78, 78, यानी 2 और 0, ठीक है, एक बार में जाएगा, ठीक है। तो ये रिमाइंडर क्या आया, 7 आया, ठीक है। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 7 होगा। आप यानी 335608 एंड 853 को के मल्टीपल को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो हमारा जो गुणन, ये जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा, 7 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम डे का है, उसी दिन का है, उसी शिफ्ट का है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये, 12 अप्रैल का। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, विच इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15। तो आप याद कीजिए कि जब कहता है कि विच लीव्स 5 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12 एंड 15 व्हेन पूछा जाए स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, याद आ रहा होगा आपको। तो हम क्या करेंगे, 8, 9, 12 और 15, इनका एलसीएम निकाल लें। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, एलसीएम निकालिए, 4 दूने 8 और ये क्या आया, 9, 4 तेई 12 और ये 15, फिर 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो क्या आया, 2, 3 तिरके 9, 1, 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 तेई 15 दूनी 30,
30 और 3 90, 9 चौके 36, ये आएगा हमारा एलसीएम आ गया 360। अब हमारा एलसीएम आ गया 360। अब ये कहता है कि जो नंबर होगा, ठीक है, वो क्या है कि रिमाइंडर क्या करता है, लिव्स 5 एज अ रिमाइंडर। तो अब इस 360 का कोई मल्टीपल हो सकता है, तो हमने मान लिया कि कोई मल्टीपल एक्स है, ठीक है, तो 360 x प्लस, ठीक है, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वही तो नंबर होगा, ठीक है। अब लेकिन कह रहा है कि ये जो नंबर होगा वो 7 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल भी होना चाहिए, ये 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, ठीक है। पहले तो कहता है कि ये हम निकालेंगे एलसीएम, तो और उसका कोई वो उसका कोई ये होगा फैक्टर कोई होगा x, ठीक है, और क्या है उसमें 5 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नंबर ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, ये 7 से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। तो अब हम डिविजिबिलिटी चेक करें, तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो आपको पता है डिविजिबिलिटी चेक करने का यही तरीका है कि हमको ये तो पता नहीं है, पहले हम क्या करें, x की वैल्यू 0 रख के देखें। तो जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, x 360 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ये 5/7 हो जाएगा, ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन ये हो नहीं सकता है। अगर x की वैल्यू हम क्या करें, 1 पुट कर दें, तो जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 360 + 5/7, यानी 365। अब 365 को 7 से डिवाइड कीजिए, क्या ये 7 से डिवाइड होने वाला है, तो 7 × 5 = 35 और ये 15 आ जाएगा, यानी ये नॉट डिविजिबल बाई सेवन, ये तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। अब हम क्या करें, x की वैल्यू 2 पुट करें, तो क्या आ जाएगा, 360 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये क्या हो गया, 720 हो जाएगा, और 5 + 5, 300 ये आएगा हमारा, 2 x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 720 आएगा प्लस 5, यानी 725। अब 725 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये मल्टीपल आ रहा है 7 का, 7 ये एक बार में जाएगा 0 और ये 7 × 21, ये भी मल्टीपल नहीं है। अब हम x की वैल्यू क्या करें, 3 पुट कर दें, ठीक है, तो x की वैल्यू जब हम 3 पुट करेंगे, जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा 0 × 6 = 18 और आया हमारा कैरी 1, 3 × 9 = 10, 1080 + 5, ठीक है, तो ये हम क्या लिख दें, 1085 लिख देते हैं, ठीक है, 1085, क्योंकि 5 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। अब डिविजिबिलिटी इसका चेक कीजिए, 7 का 7 और ये आया 3, 7 × 5 = 35, फिर 3 आया 7 × 5 = 35, यानी ये डिविजिबल बाई 7, ठीक है, डिविजिबल बाई 7, यानी हमारा यही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये कौन सा नंबर क्या हो जाएगा, 1085, ठीक है, वो नंबर क्या होगा, 1085, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप हमारे चैनल लाखों मैथ्स को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच।